कोरोना फिर डरा रहा है। दूसरी लहर का कहर कुछ थमा नहीं कि तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। इसी तीसरी लहर को लेकर सरकार भी चिंतित है। तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की समीक्षा की और राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा। पीएम ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन के उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन को लेकर बातचीत की। इस मीटिंग में कोरोना के नए म्यूटेशन से निपटने की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहले ही अलर्ट कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाजारों में, मंडपों में और पंडालों में, उससे हमने बच के रहना है। फिर याद दिलाना चाहेंगे, एक जिम्मेवारी है अपने लिए भी, समाज के लिए भी। तो भीड़ नहीं करनी है, वायरस को ये पार्टियां, ये भीड़ बहुत पसंद है और वो इसका मौका उठाएगा। और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है और जो भी कुछ हो, अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ससेप्टिबल है और हमें इस पीरियड से बच के वैक्सीन लेके अपने आप को ढाल बना के सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हुए ये टाइम निकालना है। और इसके लिए इन फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है, उसी में सीमित करें। बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के, ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए जो हम सब की तरफ से है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहली वेव में था, दूसरी वेव में था। इसकी ज़रूरत किसी भी तरह से अभी कम नहीं हुई है और वैक्सीन पूरे लग भी जाएंगे तब भी ये, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, ये लाजमी होगा, इम्पोर्टेंट होगा। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आएगी भी तो वो पहली या दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, क्योंकि सरकार का दावा है कि देश की आधी से ज्यादा व्यस्त आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। 54 करोड़ से ज्यादा पहली डोजेज दी जा चुकी हैं, 17 करोड़ के लगभग दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय पूरे देश में 72 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। सो दैट इज़ अनदर लैंडमार्क दैट वी हैव क्रॉस टुडे। वी हैव एडमिनिस्टर्ड 72 करोड़ डोजेज अक्रॉस द कंट्री। दिस इंक्लूड्स बोथ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डोज। इफ़ वी लुक एट द कवरेज ऑफ मेन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज, हेल्थ केयर वर्कर्स के 99% को पहला टीका लग चुका है और 84% को दोनों टीके लग चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका लग चुका है और 80% को दूसरा टीका लग चुका है। और अगर 18 बरस से ऊपर की जो जनसंख्या है हमारे देश की उसको देखें तो उसमें 58% लोगों को हमने एक शॉट से कवर किया है और 18% लोगों को दोनों शॉट्स या दोनों टीके लग चुके हैं। ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ की पहली डोज का कवरेज 85% से अधिक है पूरी बालिग जनसंख्या का। दीज आर द स्टेट्स एंड यूटीज वेयर द 18+ पॉपुलेशन, 85% ऑफ दैट पॉपुलेशन ग्रुप हैज़ बीन कवर्ड विद द फर्स्ट डोज। वाइल सिक्किम, दादरा एंड नागर हवेली एंड हिमाचल हैव कवर्ड 100% ऑफ देयर पॉपुलेशन विद फर्स्ट डोज। वी हैव त्रिपुरा, लद्दाख, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, उत्तराखंड एंड मिजोरम हु हैव कवर्ड मोर देन 85% ऑफ देयर पॉपुलेशन विद द फर्स्ट डोज। भले ही हमें वैक्सीन लग गई हो लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। हमें 2 गज की दूरी, मास्क लगाना समेत जरूरी चीजें फिर भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।